हेलो दोस्तों, आज का जो तारीख है वो है 2 मार्च 2024। आज का जो आपको करंट अफेयर्स पढ़ाने जा रहा हूँ वो है नया कानून 1 जुलाई से लागू होगा। करंट अफेयर्स में आज का जो टॉपिक है वो क्या है, जो नया कानून लागू है वो 1 जुलाई से होगा। देश में 1 जुलाई से बदल जाएगा जो आपराधिक कानून है वो बदल जाएगा, उसमें क्या क्या चुनौतियाँ होंगी ये सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने जो भी नया कानून लाया है वो 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। हमारे 3 नए कानून आए हैं। पहला आया IPC, दूसरा आया CRPC, इसका नाम बदल दिया गया, और एक है एविडेंस एक्ट। जो IPC है उसके लिए नया कानून का नाम रखा गया भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023। और जो CRPC है उसके लिए क्या लाया गया, भारतीय न्याय संहिता। और एविडेंस एक्ट का नाम रखा गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। IPC का नाम रखा गया भारतीय न्याय संहिता, गलती से लिख दिया भारतीय न्याय, इसका नाम रखा गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। IPC को भारतीय न्याय संहिता 2023, CRPC को भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023, और एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। पहले जो हत्या के लिए था, हत्या के लिए कौन सी धारा लगती थी, पहले के लिए धारा लगती थी IPC की कौन सी, 302। अब वो चेंज हो गया, अब धारा 101 के तहत सजा मिलेगी। पहले देखो, पहला जो 3 कानून बदला वो है 1860 में जो बना था IPC, उसकी जगह अब नया कानून है भारतीय मेकाले ने जो कानून लाया था उसको बदला गया है भारतीय न्याय संहिता 2023। दूसरा कानून जो है आपका वो था 1898 में, दूसरा कानून, और वो था CRPC, जिसका नाम बदल गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और जो हमारा तीसरा है कानून जो है वो 1872 में जो बना था कानून, इंडियन एविडेंस कोड की जगह, इंडियन एविडेंस कोड की जगह हो जाएगा भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। तो ये 3 कानून बदला है और 1 जुलाई से ये लागू हो जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या क्या है। भारतीय न्याय संहिता का मतलब क्या है, न्याय संहिता का मतलब है जो अपराधी है उसने क्या किया है उसको उस धारा में कौन सी सजा दी जाएगी वो भारतीय न्याय संहिता डिस करेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या है कि उसको मार पीट करके कैसे भी करके उसको ये साबित करना है कि तुमने मारा है, और उसकी जो सबूत इकट्ठा करना है वो किस में, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 में। तो इसमें अपराधी को पकड़, अपराधी का कौन से धारा के अंदर अरेस्ट करना है उस पर क्या चलेगा ये, इसमें प्रक्रिया मारपीट ये कैसे भी करके उससे उगलवाना है, और ये है एविडेंस
पुलिस को एविडेंस दिखाना है कि हाँ इसने ये काम किया है। नया कानून में क्या क्या है, सबसे पहला देखते हैं नाबालिग से जो रेप की सज़ा है वो अब क्या है, मौत की सज़ा। अगर कोई नाबालिग से रेप करता है उसको मौत की सज़ा। और जो नए कानून हैं उसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो भी केस है ना, खिलाफ जो हुए मुकदमा अपराध को प्राथमिकता दी गई है, प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। अब रेप के लिए जो पहले कानून लगता था वो कौन सा था, 375/76, अब धारा 63 और 69, दो धारा लगी, ठीक है। कितने सीआरपीसी की 160 धाराएं बदल दी गई है। अभी सीआरपीसी जो अभी नया भारतीय नागरिक संहिता जिसका नाम है नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें 533 धारा ही रह गई है, 160 धारा बदल दी गई है और 9 धाराएं जोड़ी गई है। अभी नया चीज़ क्या है, जैसे कोई गैंग रेप का दोषी है उसको उम्र कैद की सज़ा होगी। नया चीज़ ये है मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग में अब सीधे मौत की सज़ा होगी। अब जैसे कोई अपराधी है भाग गया, ये पकड़ा नहीं गया, तो उसको 90 दिन के अंदर ट्रायल हो जाएगा, मिले ना मिले उस पर केस चलता रहेगा। अब कोर्ट के लिए भी है कि कोर्ट को भी जल्दी से सब कुछ फास्ट फास्ट करके फैसला सुनाना है, ओके। ये सारी चीज़ें नए कानून के अंतर्गत आ रहा है। अभी जो पीड़िता का बयान है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, जो पहले नहीं होता था, लेकिन अब ये चीज़ होगा। कोर्ट का फैसला 1 महीने में, बहस पूरी होने के बाद 1 महीने में आ जाना चाहिए। अब वोटर लोग जो रिश्वत लेते थे उसमें भी 1 साल की सज़ा है। उसके साथ साथ हेट स्पीच को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है, कि पहले कोई धर्म के ऊपर ये कुछ बोलता था तो उसको भी हमने पढ़ा है कि उसको भी रखा गया हेट स्पीच को, धार्मिक भड़काऊ भाषण पे भी 5 से 3 साल की जेल हो सकती है। उसके साथ साथ राजद्रोह का जो कानून था, राजद्रोह का कानून वो हो जाएगा अब देशद्रोह का कानून, उस पर धारा 150 लगेगी जिसमें आजीवन कारावास हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो मुख्य चीज़ें हैं वो यही है। और बीजेपी सरकार का कहना है ये नया कानून बदलने के पीछे था कि मर्डर करना था, मेकाले का जो पुराना था उस चीज सिस्टम को बदलना था। अभी जो है दंड से न्याय की ओर हमें जाना है, नागरिक को सशक्त बनाना है, पुराने कानूनों को निरस्त करके मॉडर्न करना है, और सब कुछ डिजिटली हो जाएगा 2027 तक कानून का, ये भी कहा गया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।